नहीं चाहता। पद्म अवार्डी ने कहा है कि 2014 में असली आजादी मिली है। खुर्शीद की किताब बिल्कुल 2022 में हम सरकार बनाएंगे तो उनको लेकर के उनका कहना है कि 2022 में हम देखिए देखिए वो तो 2014 में भी सरकार बना रहे थे, 2017 में भी बना रहे थे, 2019 में भी बना रहे थे, और 2019 में आपने परिणाम देखे हैं, दो सीट की एक सीट रह गई। अब की बात 2024 में वो भी चली जाएगी। सर के बाद हमारे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी आप कह सकते हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन स्वतंत्रता संग्राम में किया था, वो चाहे महात्मा गांधी जी हों और दूसरे नेता हों, और वास्तव में ऐसा होता भी है नैसर्गिक रूप से कि प्रत्येक देश की एक ऐसी भाषा होती है जो उसके कामकाज की भाषा होती है और राजभाषा के रूप में उसकी पहचान होती है। क्योंकि हिंदी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक व्यापक भूमिका की थी और एक संपर्क भाषा के रूप में अच्छे परिणाम दिए थे। व्यापक विचार विमर्श के बाद लगभग 3 दिन विचार विमर्श हुआ और 14 सितंबर 1949 को ये तय किया गया कि हिंदी राजभाषा के रूप में काम करेगी। उसी समय में संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और लिपि के रूप में देवनागरी को चुना गया। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि 15 वर्षों तक, चूँकि हम काफ़ी लंबे समय से परतंत्र थे, तो ये हुआ कि 15 साल तक राजकाज प्रभावित ना हो, तो उसी तरह से हम काम करेंगे जैसे पहले में 1947 से पहले कर रहे थे। लेकिन इस दौरान ये विचार था कि हम हिंदी को जिस दिन संविधान हम चालू स्थापित करेंगे, जैसे 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो 1965 तक हम पूरी तरह से राजभाषा को समर्पित होकर के अपने काम को पूरा कर लेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। लगातार बाकी हमारे प्रयास जारी हैं, क्षेत्रीय सम्मेलन ऐसे हम लोग लगातार करते हैं, नराकाश की बैठकें हैं, संसदीय समितियाँ हैं, वार्षिक कार्यक्रम है, उनकी समीक्षा है, इन सब कामों को करते हुए लगातार ऐसे प्रयास थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो मन की बात हो, चाहे देश के अंदर महत्वपूर्ण अवसर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अवसर हो, हर जगह हिंदी का प्रयोग करके हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों में हिंदी का 100% प्रयोग करके जिस तरह की प्रेरणा दी, उससे लोगों में हिंदी को लेकर के जो कुछ हिचकिचाहट थी वो सारी दूर हो गई और हमने इस दौरान बहुत बड़े परिणाम पाए। हमारे देश के 70% से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, विदेशों में भी 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, UNO ने भी अपने कई कार्यक्रमों में हिंदी को अपनाया है। उसी सब क्रम को लेकर के अखिल भारतीय सम्मेलन पहली बार हमारे देश में आयोजित होने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी और गृह मंत्री जी का चुनाव था कि इसके रूप में वाराणसी से उत्तम कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता, इसलिए वाराणसी को चुना गया। चूँकि एक बड़ी परंपरा वाराणसी के साथ जुड़ी है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये सम्मेलन 2 दिन होने वाला है जिसमें हम व्यापक विचार विमर्श करेंगे और उसके दौरान जो इस मंथन में आएगा उसको हिंदी के प्रयोग को और बढ़ाने में, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को और बढ़ाने में जो भी काम करने होंगे वो करेंगे। देखिए इसमें जैसे मैंने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कई मंत्री यहाँ पर रहेंगे, सांसद विधायकों के साथ साथ यहाँ पर हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, के श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, कई हमारे वाइस चांसलर हैं, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी हैं, ऐसे राहुल राय जी हैं, ऐसे कई समाचार पत्रों के भी प्रधान संपादक इन सब चीज़ों में भाग लेंगे, अलग अलग सत्रों में भाग ले करके और अपने विचार मंथन के द्वारा हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हमको सुझाव देंगे, उन सुझावों को हम आगे अपने कार्यक्रमों में। सर दूसरे दिन समापन में आप खीरी से आए हैं लखीमपुर। 10 अक्टूबर को अपोजिशन पार्टी की एक बड़ी रैली थी जिसमें आपके रेजिग्नेशन को लेकर के प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक। देखिए आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि ये विषय जांच एजेंसियों के पास है, न्यायालय में है, और इसलिए इस विषय पर मेरे लिए बोलना कुछ उपयुक्त नहीं। सर एक सवाल और डीएम और SSP दोनों हटा दिए गए लखीमपुर खीरी के, उसके बारे में आपका सर उसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट जो आई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि 3 गोलियां चली हैं, वो भी आशीष मिश्रा के ही। ऐसा आप देखिए जो भी
बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, जांच हो, ये सरकार ऐसी सरकार है जो किसी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करती है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। नैतिकता के आधार पर क्या आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए सर? नैतिकता किस, अभी जब जांच हो रही है, इस तरह के सवालों का कोई औचित्य नहीं है। आप इस तरह की बात करें, न्याय जांच एजेंसी जांच कर रही है, न्यायालय में मामला है, इसलिए जो भी होगा वो ठीक होगा। ये हिंदुत्व को लेकर बड़ा हंगामा मचा है, सलमान खुर्शीद की किताब आई, अब राहुल गांधी ने कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार ऐसी थी जो पूरे बहुमत से नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी के लिए बहुत प्रयास किए थे। और चूंकि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ा है, हमारे पहली बार हिस्सा ले रहा हिंदी पहली बार नहीं, गृह मंत्रालय का ही ये विभाग है, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय का शुरू से है, आज़ादी के समय से। तो ये गृह मंत्रालय का ही विभाग है, राजभाषा विभाग। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये पहली सरकार है जिसने व्यापक रूप से और प्रमाणिक रूप से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए काम किया है, उसी के परिणाम आज हमको देखने को मिले। हिंदू और आजादी इस देश में 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और ये सारे विषय ऐसे लोग उठाते हैं जो सोचने समझने की जिनकी जैसी हैसियत है वो ऐसे वो सोचते हैं, इन विषयों पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।